वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर किसको कहते हैं? कोई भी नंबर, एनी नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं? कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर, मतलब जिनको स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू ना आए, नेगेटिव वैल्यू ना आए, उन सब को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। उन सबको क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? किसी ऐसा कोई भी नंबर जिनका अगर हम स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? अ नंबर whose square is non-negative, whose square is non-negative is called a real number। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव ना आए बल्कि क्या आए? पॉजिटिव वैल्यू आए, उसको हम क्या कहेंगे? या जीरो आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आए या जीरो आ जाए, मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को देखें हम। जरा रेशनल नंबर हम किसको कह रहे थे? जितने भी नंबर रूट्स की फॉर्म में है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने डिस्कस किया था इरेशनल नंबर को। और रियल नंबर किसको कहा था? जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में हो वो रियल है ना, और जो भी अंडर रूट की फॉर्म में था, सर्च की फॉर्म में था, इसको हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में वहां डिस्कस किया है, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर, वो क्या था? इरेशनल नंबर था। तो मैं कुछ इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, जैसे -√3, √2, 2, यहां से लिख दे 1/2, 1/7, ठीक है, 2+√3, ठीक है, इनका जरा आप स्क्वायर करके देखें, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 1/4, 1/7 का स्क्वायर क्या होगा? 1/49, -√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3, √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, √2+3 का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4+3+4√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल गिव यू 7+4√3, इट इज पॉजिटिव। क्या देखा? जितने भी रियल रेशनल या इरेशनल है, उन सब का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉन एज रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉन एज रियल नंबर, बट द बेसिक डेफिनेशन इज ए नंबर वूज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड इन दिस डेफिनेशन बोथ रेशनल एंड इरेशनल इज सेटिस्फाइड। दोनों क्या है? सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल का स्क्वायर क्या होता है? वो भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रियल, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो क्या लिखे? ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तुम यहां क्या देखा हमने? कि रेशनल नंबर, रियल नंबर जो है, आइदर रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, आइदर रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो अब जब ऐसा हो सकता है, तो अब ये देखिए कि रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। इरेशनल का कैसा था?
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इस तरह से रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ऑल दिस, बिकॉज इफ इट इज इरेशनल देन दिस केस विल अराइज, इफ इट इज रेशनल देन दिस केस विल अराइज, ठीक है ना। अगर रेशनल होगा, अगर रेशनल होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या इरेशनल होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसलिए रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, है ना, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, और जब टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का केस होगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी रेशनल और इरेशनल है उसको कंबाइन कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, हमें इरेशनल नंबर मिल जा रहा है ना, इरेशनल नंबर मिल जा रहा है। और नंबर लाइन पर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इन सारे नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में देखूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल तो मैं बता चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। तो जब इनको आप प्लॉट करेंगे तो सारे के सारे नंबर जो है इस नंबर लाइन के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, मतलब हर पॉइंट जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसको अभी हम नहीं ले सकते, वो क्योंकि वो एक खुद एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबके सब इस लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, या रियल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन या रियल लाइन। अब क्योंकि सारा का सारा रेशनल और इरेशनल इस रियल लाइन पे आ जाता है, दैट्स व्हाई वी से दैट रेशनल एंड इरेशनल इज कंबाइंड टू फॉर्म अ रियल नंबर लाइन। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इज नॉन एज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू ए यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन, ठीक है, ठीक है। मतलब हर रियल नंबर का हर लाइन जो है, सॉरी हर पॉइंट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए एवरी रियल नंबर लाइन को हम को यूनिक पॉइंट के जरिए रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमने रियल का जो पार्ट है वो पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया है, इरेशनल का जो पार्ट है वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और जब रेशनल और इरेशनल दोनों का हम तरीका सीख जाएंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो रियल नंबर का भी खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर लाइन होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कि अगर दो नंबर पे कोई भी दो नंबर है, चाहे नेचुरल हो, ठीक है, तो अगर उन दोनों पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें, नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल इनटू नेचुरल, ठीक है, उस पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें और उसका रिजल्ट जो है वो भी नेचुरल ही आए, मतलब जिस नंबर सिस्टम से वो बिलोंग कर रहा था रिजल्ट भी उसी नंबर सिस्टम से आए, तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, या एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जो है, क्लोज है अंडर नेचुरल नंबर, क्लोज है अंडर नेचुरल नंबर के, ठीक है। सेम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करे दो नंबर सिस्टम के ऊपर, चाहे वो नेचुरल नेचुरल हो, ठीक है, चाहे होल होल हो, अगर रिजल्ट उसी से नंबर सिस्टम से आए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, या वो नंबर सिस्टम जो है उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर क्या है, क्लोज है। तो रियल नंबर जो है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है,
मतलब द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, ठीक है ना. सिमिलरली द सम प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर. इट इज क्लोज ओनली अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या है, रियल नंबर के अंदर सेटिस्फाई है. मतलब क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर भी वैलिड है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी वैलिड है. मतलब रियल नंबर को मैं डिनोट करूंगा क्यू से डिनोट करूंगा. रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज ऑलवेज रियल. सिमिलरली रियल इनटू रियल इज ऑलवेज रियल. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. किसको कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? अगर आपको याद हो तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते थे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ये आठवीं क्लास के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. मतलब तीन नंबर है हमारे पास, किसी दो नंबर को पहले ऐड करके फिर तीसरे से ऐड करो, या पहले शुरू वाले को ऐड करके फिर तीसरे से ऐड करो, दोनों रिजल्ट सेम होता है. ऐसे ही किसी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. मतलब सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, या फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है. तो ये दोनों प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर जो है सेटिस्फाई करता है. मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब यहां पर क्या है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइंड है रियल नंबर के लिए. सिमिलरली ए इंटू बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी इंटू सी के. ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इनको. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि रियल नंबर जो है क्लोज है अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के. रियल नंबर सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के. ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आइदर तुम ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्ट सेम ही रहता है. मतलब किसी भी नंबर को पहले या बाद में लिख दें, उससे फर्क, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता है. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी ए इंटू बी लिख दें या बी इंटू ए लिख दें, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. मतलब दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन डिवीजन और मल्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर और के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, सेटिस्फाई. ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर बोथ इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है. तीसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाई है. किसके लिए, रियल नंबर के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन करना चाहें तो क्या होता है, पहचान. क्या होता है, पहचान. सिमिलरली तो यहां पर क्या है,
आइडेंटिटी मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है। मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर है उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उससे उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब जो रिजल्ट n था तो n ही रहे, ठीक है, p था तो p ही रहे। जैसे 2 है, मैं कह रहा हूँ इस पर कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब क्या करेंगे, फौरन 2+0 इस 0, ये जो 0 है इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं आई। दिस रिजल्ट इज नोन एज आइडेंटिटी। सिमिलरली अब मैं कहूँ, कोई ऐसा भी कह सकता था 2×1 करे तब भी रिजल्ट तो 2 ही रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी तो आइडेंटिटी 2 की चेंज नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। दैट्स व्हाई वी से 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज इन एडिशन व्हेन वी ऑपरेट 0 द रिजल्ट इज सेम, इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन वी ऑपरेट 1 सॉरी हाँ व्हेन वी ऑपरेट 1 विद मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी विल गेट इज 2। दोनों के अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 की वजह से नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, पहचान चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन 0 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है ना, इसलिए 0 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं है बल्कि क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, तो रियल नंबर का भी, रियल नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, ठीक है। अब तक हमने देखा कि रियल नंबर जो है सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के। उसके बाद हमने देखा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के। उसके बाद हमने देखा इन दोनों की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स, ठीक है। इनवर्स भी दो होता है, एडिटिव इनवर्स एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। समझे हम सबसे पहले कि इनवर्स कहते किसको है, इनवर्स मैथमेटिक्स के अंदर इनवर्स उसको कहते हैं कि अगर उस नंबर पर कोई ऑपरेशन, कोई नंबर है उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उस पर अप्लाई कर रहे हैं, समझ आई बात है कि नहीं, किसी नंबर के साथ, कोई दूसरे नंबर के साथ, सपोज कर लो p है, इसके एडिशन से या इसके मल्टीप्लीकेशन से उसकी आइडेंटिटी वापिस आ जाए, उसकी आइडेंटिटी वापिस आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था 0, मतलब रिजल्ट 0 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या थी 1, मतलब प्रोडक्ट में क्या आ जाए 1 आ जाए। इनवर्स वर्ड का मतलब समझिए, मैथमेटिक्स के अंदर जो हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसका मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है हमारे पास जैसे 3, ठीक है, इस पे अगर हम एडिटिव मतलब एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जिससे कि एडिटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए, तो आपके ध्यान में फौरन आएगा क्या, जो नंबर यहाँ पर है उसके अपोजिट साइन को ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाता है 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जिस नंबर को हमने ऐड किया है
उस नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स को ढूंढना आसान है, जो भी नंबर है रियल नंबर उसका अपोजिट साइन कर दो, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव बना दो, क्योंकि उनको ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वापस आ जाएगी। दैट्स व्हाई द नंबर अपोजिट टू दैट इन साइन विल बी द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अब मैं कह रहा हूँ 3 × कौन सा नंबर इससे मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रियल नंबर की, 1 होती है। तो अब फौरन आपके जहन में आएगा क्या, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन यहां पर नोट डाउन कर लें कि जीरो एक ऐसा रियल नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आई बात है कि नहीं आई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ आई बात है कि नहीं आई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उनका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज हमारे रियल नंबर की। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर हो वो क्लोज्ड है अंडर, रियल नंबर हो वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, कोई भी नंबर हो वो क्लोज्ड अंडर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी रियल नंबर हो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों की एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल पाएंगे, जो भी नंबर है उसका साइन सिंपली अपोजिट कर देना है वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए जो भी नंबर है उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ये था हमारा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, ये थी हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रियल ए है नंबर तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a। अगर कोई रियल नंबर बी है हमारे पास उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/b। ठीक है, लेकिन अगर रियल नंबर कोई ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a, अगर कोई रियल नंबर -b है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +b। ठीक है, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर है, बल्कि 3 रियल नंबर है, और बी और सी को जोड़ करके फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करें, मतलब दो को हमने ऐड किया फिर उस पर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया, चाहे आप ऐसा करें या पहले ए और बी, ए और सी दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड करें, रिजल्ट सेम रहता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, सच दैट कि हमें ए इंटू बी और ए इंटू सी किया फिर इनको ऐड करें या b इंटू सी को, क्योंकि हमने b और c दोनों को a ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b इंटू सी को पहले ऐड कर लें फिर a से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम रहता है। इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये भी रियल नंबर को क्या करता है, रियल नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर क्या करता है इनको
सेटिस्फाई करता है। तो रियल नंबर किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। समझ आई बात है कि नहीं आई? क्लोजर प्रॉपर्टी सारे ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई होगा एक्सेप्ट द डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब के लिए है, लेकिन डिवीजन के केस में एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना, आइडेंटिटी दोनों की एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन है, इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और एडिटिव इनवर्स जो भी नंबर होगा उनका अपोजिट साइन कर देंगे हम। ठीक है, ये थी हमारे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप याद रखें कि आठवीं क्लास वाला कि आप पढ़ चुके होंगे, a इंटू बी कोई रियल नंबर है उनके ऊपर कोई रूट है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, या डिवीजन में कोई दो रियल नंबर है तो पहले हम उनका रूट निकाल लें फिर उसे डिवाइड करें, रिजल्ट विल बी सेम। हम ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। पिछला टॉपिक जो बिल्कुल थ्योरेटिकल था, नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कहते किसको है? देखो, हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल नंबर उसके अंदर क्या आता था? रेशनल एंड इरेशनल, दोनों नंबर आते थे। ठीक है, तो जब हम रियल नंबर को लिखते हैं 2, 3 या 2/√2, 1/√3, सबके सब क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये इरेशनल वाला नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये रेशनल है। ठीक है, ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी रियल नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसके डिनोमिनेटर को, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रेशनल में कन्वर्ट करना रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में, रियल नंबर में अगर जो डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है तो उसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन करना कहलाता है। लेकिन याद रखें कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू, मतलब उस रियल नंबर की वैल्यू, फ्रैक्शन नहीं, उस रियल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपके ध्यान में क्या आएगा? देखिए, 1/√3 है, ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं हो, रेशनल नंबर की फॉर्म में हो। अब फौरन क्या करेंगे? रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, ऐसे भी ये कैंसिल होकर के 1 ही देगा, वैल्यू 1/√3 रहेगी, मतलब फ्रैक्शन की, सॉरी, रियल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? √3/3, और जैसे ही हमने ऐसा किया डिनोमिनेटर क्या हो गया? 3, और डिनोमिनेटर जैसे ही 3 हुआ, और 3 क्या है? रेशनल नंबर है, है ना। तो इस तरह से रियल नंबर के डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बनाना क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो
तो मैं रेशनलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, क्या कह रहा है, सपोज वी आर गिवेन अ नंबर दैट मीन्स रियल नंबर वोज डिनोमिनेटर इज इरेशनल देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रेशनल डिनोमिनेटर बट द एक्सप्रेशन शुड बी इक्विवेलेंट का मतलब यही हुआ कि मतलब जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, सॉरी रियल की जो एक्सप्रेशन था हमारे पास रियल नंबर का, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि देखिए जैसे ही आप करेंगे इनको तो वापस अगर इनको आप कन्वर्ट करें रूट थ्री, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कैंसिल करेंगे तो वापस हम उसी एक्सप्रेशन पे चले जाएंगे। तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।